दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज हम बात करेंगे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में, जो कि कभी कभी आपके लिए जानलेवा है, काफ़ी घातक भी हो सकती है। और इस डिजीज़ का नाम है ITP। ITP यानी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर इसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। यह वह कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी प्लेटलेट्स जो होती है, जो कि खून का थक्का बनाने का काम करती है, उसका लेवल हमेशा लोअर साइड पर रहता है। और वो जनरली ऐसा देखा गया है कि 1 लाख से कभी ऊपर नहीं जाता, 1 लाख से कम ही रहती है। और उस कंडीशन में आपको कभी कोई चोट लग जाए तो आपको इसमें ब्लीडिंग का खतरा रहता है, आपको खून का थक्का बनने में आपको परेशानी आती है, क्योंकि प्लेटलेट्स होती है, उसका काम होता है, वो एक प्लग की तरह काम करती है ब्लड वेसल्स के अंदर। और जब कभी भी कोई चोट लगती है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, तो वहाँ पर ये जाकर जमा हो जाती है और वहाँ पर खून का थक्का बनाने में मदद करती है। इसलिए आपकी बॉडी के लिए प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसकी कमी हो जाए तो आपको अननेसेसरी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको खून की कमी हो सकती है, और आपका ज़्यादा अगर खून बह जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी कोई बिना किसी कारण के, कोई कारण ज्ञात नहीं है कि किस वजह से आपका जो प्लेटलेट्स है वो कम कम रहती है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी जो थ्रोम्बोसाइट है उसकी कमी रहना, या प्लेटलेट्स की कमी रहना, यानी बिना किसी कारण के जब आपका जो ब्लड प्लेटलेट जो होती है ब्लड के अंदर वो कम रहती है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं ITP या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस ITP के लक्षणों के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं इसके बारे में, साथ ही साथ इसके इन्वेस्टिगेशंस और इसमें काम में आने वाली कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, क्योंकि होम्योपैथी में ITP के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल है, और जो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देती है, आपकी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो प्लेटलेट्स होती है, या प्लेटलेट्स आपकी बोन मेरो के अंदर बनती है, जैसे कि दूसरी ब्लड सेल्स होती है वो बनती है। बोन मेरो जो होता है आपकी हड्डियों के बीच का स्पॉन्जी पार्ट होता है, जो रेड ब्लड सेल्स या RBC WBC और ये इसी तरह से प्लेटलेट्स को बनाने का काम करता है। और नॉर्मली जो प्लेटलेट्स होती है, उस प्लेटलेट का जो लेवल होता है वो होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में। और जब कभी भी आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, ITP की शिकायत होती है, तो उस कंडीशन में आपकी प्लेटलेट्स काउंट जो होती है वो नॉर्मल रेंज से काफ़ी कम हो जाती है, और अक्सर वो कम ही रहती है ITP के अंदर। और उसकी वजह से कभी आपको कोई चोट लग जाए तो आपको खून को रुकने में, आपको थक्का बनने में काफ़ी परेशानी आती है। चलिए हम बात करते हैं इसके लक्षणों के, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे ITP के अंदर। इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम है जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो होता है आपकी स्किन के ऊपर लाल लाल या पर्पल कलर के रैशेज बन जाना, निशान देखना, एक से ज़्यादा मल्टीपल जो इस तरह के रैशेज या पैचेस होते हैं वो आपकी स्किन के सरफेस के नीचे देखने को मिलते हैं। वो आपके ज़्यादातर आपके हाथों पे हो सकते हैं, आपके पैरों में हो सकते हैं, और आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ कभी कभी जब आपका इसका लेवल ज़्यादा कम हो जाता है प्लेटलेट्स का, तो उस कंडीशन में आपको इंटरनल ऑर्गन्स में या इंटरनल आपको ब्लीडिंग की भी शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। इसके साथ साथ आपको नोज ब्लीड या नाक से खून आ सकता है, आपको जो मसूड़े या जो गम्स होते हैं उसमें से आपको खून आ सकता है, आपको यूरिन में स्टूल के अंदर आपको ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है। महिलाओं के अंदर पीरियड्स जो होते हैं उनको जब आते हैं तो उसमें उनको पीरियड्स को रुकने में परेशानी आती है, उसमें पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा अगर आपको कभी कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको खून रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता है। इस तरह से आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं ITP के अंदर। अब बात करते हैं इसके कारण की, तो इसके कारण जो होते हैं, इसके कारण ऐसा माना जाए कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम जो आपकी प्लेटलेट्स होती है उसको एक एक तरह से एनिमी की तरह ट्रीट करता है, उसको ख़त्म करता है, और उसकी वजह से आपका जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका नॉर्मल रेंज से वो कम रहता है, हमेशा वो बढ़ नहीं पाते हैं। यही इसका एक बड़ा कारण जो है वो माना गया है। इसके अलावा सेकेंडरी कॉज भी माना गया है कि अगर आपने कोई कुछ मेडिसिन है उसकी वजह से भी आपको एक कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर किसी और प्रकार की कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से अगर आप ग्रसित हैं, जैसे ल्यूपस है, इससे अगर आप ग्रसित हैं उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसके कुछ मेजर कॉज मुख्य कारण होते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ ब्लड टेस्ट की, तो इसमें जो एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि करके देखा जाता है वो होता है CBC। CBC के अंदर आपकी जो प्लेटलेट्स होती है उसकी आसानी से उसमें पता चल जाता है कि आपका प्लेटलेट का जो लेवल है वो कितना है। और अगर आपका हर बार आपको इस तरह से प्लेटलेट जो है वो कम ही आते हैं, तो आपको समझा जा सकता है कि आपको कहीं ITP की शिकायत तो नहीं है। और इसकी पुष्टि करने के लिए आपका जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो का टेस्ट भी करके देखा जाता है, जिसकी सहायता से आपको पुष्टि होती है कि आप ITP से ग्रसित हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें काम में आने वाली कुछ खास होम्योपैथी दवाइयों की, तो इसमें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है ITP के लिए, या फिर आपके प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाने के लिए, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ तो इसमें फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करती है, लेकेसिस 30,
एसिड सेल्फ 30 इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स होते हैं जैसे सियोनेंथस का मदर टिंचर, कैरिका पपैया का मदर टिंचर, ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ होती है जो कि ITP के अंदर काम मिली जाती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उस कंडीशन में क्रोटोलस हॉरिडस 30 इसको ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी हेल्प करती है, बोथ्रोप्स 30 काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा अहमामल इसका मदर टिंचर भी आपको ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होती है उसको रोकने में आपको मदद करती है। इस प्रकार से ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिसके कि ITP में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और वो आपके प्लेटलेट्स होती है उसको बढ़ाने में, आपको अगर ब्लीडिंग हो जाती है ब्लीडिंग को रोकने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। यदि आपके साथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी के लिए आप आएँ तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।